अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना जलील और आज हमारे प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है जनाब। हम बड़ी कोई ज़बरदस्त सीख आपको बिरयानी बनाना सिखा रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ, इस बिरयानी का नाम है बॉम्बे बिरयानी, ठीक है ना। लेकिन यकीन माने कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है बॉम्बे से, क्योंकि आपको पता है पार्टीशन से पहले बॉम्बे और कराची एक ही था, तो ये आप इसको कराची बिरयानी भी कह सकते हैं, लेकिन कहा जाता है इसको बॉम्बे बिरयानी। और ये जो रेसिपी आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये तकरीबन 100 साल पुरानी रेसिपी है और बहुत पसंद की जाती है, बड़ी यूनिक सी ये है। इसको बनाया जाता है बेसिकली मटन के साथ, लेकिन मैं इसको चिकन से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको बीफ से भी बना सकते हैं, बट मटन इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ज़रा चिकन को ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो हमने इसको चिकन से बनाना है। तो यहाँ पर जो बॉम्बे बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एक 100 साल रेसिपी है, ये बात याद रखिएगा। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है, चिकन है हमारे पास, ये 1/2 kg चिकन है यहाँ पे हमारे पास। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का ये पेस्ट, ठीक है। ये जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 tablespoon, ये ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च का पेस्ट, हरी मिर्च 3-4 ले लीजिएगा, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बना रही है और हमारे पास चिकन सिर्फ 1/2 kg है। 3 से 4 लीजिएगा और उसका पेस्ट बना कर रख लीजिएगा। और ये बकरीद के दिनों में आपके बहुत काम आएगी आएगा ये पेस्ट, क्योंकि ये आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट मैरिनेशन में बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज, पिसी हुई प्याज जो फ्राई कर ली थी हमने, ये हमने 2 medium size की प्याज ले ली थी, और साथ ही ये पिसा हुआ गरम मसाला है। इसको आप हाथ से हल्का सा क्रश कर लीजिएगा प्याज को, ये इसमें चलेगी। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें 3-4 teaspoon लिया था। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये आलू बुखारे, ये चले गए, ये है शाहजीरा या काला जीरा जिसे कहा जाता है, बहुत अच्छा खुशबू वाला है। इसको आप हाथ से मसल के अगर आप स्मेल करेंगे तो बेहतरीन है। अब ये काला जीरा, ये वो वाला नहीं जिसको कलर हुआ हुआ, ये शाह जीरा है, ठीक है जी। ये 1 teaspoon चला गया। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये मेरे पास छोटी इलायची का पाउडर 1 teaspoon, और तकरीबन 3-4 teaspoon हमारे पास है ये ज़ाफरान जो कि इसमें चला गया, ये सब मैरिनेशन में जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये एक बड़े साइज का टमाटर था जिसको हमने क्या किया, हमने इसको पीस लिया, ठीक है, ये गया इसमें पुदीना आधी गड्डी, छोटी वाली गड्डी थी इसलिए मैंने इतना ले लिया, आप इसमें 2 से 3 tablespoon भी ले सकते हैं। ये जाएगा इसमें लेमन जूस जो कि जाएगा इसमें तकरीबन 1 बड़े साइज का लेमन, ये चला गया। अब क्या जाएगा इसमें, जाएगा दही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन, ये मैं पूरा डालूंगी इसके अंदर, 1/2 cup से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 1/2 cup इसमें आप कर दीजिएगा। अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, तो नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, ठीक है। नमक इसमें डालूंगी मैं इसमें 1.5 teaspoon, सब टू यू कि आप कितना पसंद करते हैं या आपके पास नमक कौन सा वाला है। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें हम कम डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें हरी मिर्च डाली है, तो ये गई इसमें। अच्छा, चूंकि इसमें आलू भी जाएंगे तकरीबन 3-4 teaspoon। अच्छा, एक बहुत ही यूनिक और बड़ी डिफरेंट सी चीज़ इसके अंदर जाएगी, ये है पाइनएप्पल, ये है पाइनएप्पल का पेस्ट जो मैंने बना लिया है यहाँ पे, आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा। ये देखिए जी, इसमें थोड़े छोटे चंक्स भी आ रहे हैं। ओरिजिनली वैसे पता है क्या होता है, पाइनएप्पल के पीस डाले जाते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा पीस किया है। ये 1/2 cup पाइनएप्पल था, ये मैंने ले लिया, और इसमें डालेंगे 1/2 cup शफक कोको ऑयल जो हीट से पाक है और सबसे बड़ी बात है विटामिन A, D और E से भरपूर है ये शफक कैनोला ऑयल, 1/2 cup। अब करेंगे इसको मिक्स, और मिक्स करके हमने इसको कम से कम जो है 1 से 1.5 घंटे हमने इसको छोड़ना है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे इसको जब हम मैरिनेट कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे, बस बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना कहीं से भी पूरी वीडियो को। इसमें हम आलू भी ऐड करेंगे, आलू किस तरह डालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, पहले तो इसको मिक्स कर लूँ। अगर आप इसको बीफ से बना रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बकरीद वैसे तो ये मटन से बनाई जाती है, लेकिन उसको भी आपने टाइम देना है, कम से कम आप जो भी चीज़ बनाते हैं मैरिनेशन की, जैसे आप ये बिरयानी बनाएंगे इसको आप ओवरनाइट मैरिनेट करके रखेंगे तो नेक्स्ट डे रिजल्ट इज सो अमेजिंग। इसमें आलू जाएंगे जो 3 से 4 अदद हैं, ये मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, ये हम अभी ऐड नहीं करेंगे। जब हम इसको कुकिंग के लिए रखेंगे, हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं, अच्छे से मैरिनेट होगी तो आपके साथ आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि अब हमें क्या करना है। चलिए जी, ये बहुत अच्छी सी मैरिनेट हो गई है, खुशबू भी अच्छी सी आ रही है, पाइनएप्पल इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा और खट्टा मीठा सा लगेगा। अगर आप खट्टा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें पीसेस भी डाल सकते हैं। चलिए जी, डालेंगे इस पतीली में, सही
इसको अच्छा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि सारा मसाला जो है इसमें ही जाए। तो ये बिरयानी आप भाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारी बिरयानियों की ना पूरी एक लिस्ट है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप वहाँ जाइएगा तो आप डेफिनेटली कोई अच्छी सी बिरयानी इसमें से चूज़ कीजिए और बनाइए और इन्जॉय कीजिए। वैसे तो सारी बिरयानियाँ ही बहुत अच्छी हैं। अच्छा, इसको आपने सिंगल ही लेयर में रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अभी पहले मैं आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ, ये देखिए बहुत ही कोई खुशबूदार बनेगी ये। अच्छा, ये राइस जो है मेरे पास बॉईल हुए हुए हैं, और राइस को हमने नमक और साथ ही ये गर्म मसाला था 1 टेबल स्पून डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया। मेरे पास सेला राइस है, आप चाहें तो उसको बासमती से भी बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, और मेरे पास है ये आलू, आलू है मेरे पास 2 से 3 अदद, जितने भी आप डालना चाहते हैं। आँच को हमने अभी तेज़ रखा हुआ है, जैसे ही थोड़ा सा पकना शुरू होगी तो मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। चल, इसने पकना शुरू कर दिया है, और अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर शामिल करूँगी ये आलू, और आलू जो है मैं पानी समेत डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि आलू भी थोड़े गल जाएँ, और इसको मीडियम हीट पे रखेंगे। इसकी वजह ये है, अच्छा, इस मसाले को आपने बिल्कुल भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इसको आप मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप इसको रख दीजिएगा पकने के लिए। शानदार सा मसाला, खट्टा मीठा सा मज़ेदार सा इसका तैयार हो रहा है। राइस हमारे पास बॉयल है तो क्विकली ये बिरयानी जो है तैयार हो जाएगी। इसको मैं कवर कर देती हूँ इतनी देर के लिए। अच्छा, जब ये सब चीज़ें पक जाएंगी तो मैं हल्का सा कोयले का स्मोक दूंगी। कोयला हमारे पास वहाँ रखा हुआ है, इसको हम अभी जलाते हैं ताकि हम इसको एंड में हल्का सा कोयले का स्मोक देंगे। राइस डालेंगे, येलो फूड कलर डालेंगे, और इसको दम पे छोड़ देंगे। तो हम आपसे मिलेंगे 15 मिनट के बाद। खुशबुएं इतनी शानदार आ रही हैं कि देखते हैं कि बिरयानी जो है वो कहाँ तक पहुँची। और ये देखें जी, इसका बेस जो है वो तैयार हो चुका है। कोयला वहाँ पे अच्छा सा गर्म हो गया, हल्का सा मैं इसको धुआं लगाऊंगी, ठीक है जी। ये गर्म हो गया, और ये वाह, इतनी रिचनेस है इस बिरयानी के अंदर। अब मैं एक काम ही करूँगी कि ये यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। एक यहाँ रखेंगे, इसमें डाल करके, और डालेंगे इस पर थोड़ा सा ऑयल, ऑयल या घी, शफक कुकिंग ऑयल, ये चलना चाहिए। इसको 2 मिनट के लिए बंद करेंगे, इसको निकालेंगे, और फौरन ही आपके सामने इसकी चावलों की लेयर लगाए। चावल ही हमें बस बॉईल हुए हुए रखे हुए हैं, मैं इसमें डालूंगी और बस इसको दम पे छोड़ दूंगी। येलो फूड कलर डालना चाहें तो आप डालिएगा, ये मैंने भी यहाँ पर डालना है, और क्योंकि बिरयानी हो और येलो फूड कलर ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरे पास रखे। चाहें तो आप यहाँ पर भी ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू तो और ही बहुत अमेजिंग सी आ रही है। मैं काम करती हूँ कि बस इसको निकालती हूँ, और फटाफट अब बिरयानी को हम दम पे करते हैं। चलो जी, अब ये स्मोक तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, बस इतना हो कि हल्का सा आना चाहिए। अच्छा, राइस जो है ना यहाँ पर, जैसे हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि 100% जो है ना राइस मैंने पका के रखे होते हैं, बट ये 100% नहीं है, इसमें थोड़ी सी कसर है, जब भी पानी आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा है। चले जी, ये राइस इसमें, अच्छा राइस जो है वो इसके अंदर ऑलमोस्ट 1/2 kg, ठीक है, ये क्या इसमें राइस, चिकन थी 1/2 kg, और इसके अलावा राइस में हम जो आलू इस्तेमाल किए थे 3 अदद आलू, यानी 250 ग्राम आप आलू ले सकते हैं। तो बेहतरीन आपकी बिरयानी जो है तैयार है। तवा साइड में आपने गर्म होने के लिए रख देना है, जैसे कि मैंने रखा हुआ है, और इसको हम फिनिश करेंगे शफक कुकिंग ऑयल से। शफक कुकिंग ऑयल जो हीक से पाक है, और खुशबूदार है, मज़ेदार है, और आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है जी। ये मैंने डाला तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून शफक कुकिंग ऑयल, और इसके अलावा ये जाएगा इसमें येलो फूड कलर। आज इस सतह आपने तेज़ रखनी है, और जैसे ही एक स्टीम बनना शुरू होगी आप इसको हल्का कर दीजिएगा। आँच को हम तेज़ कर देते हैं। चले जी, इसको मैं कवर कर रही हूँ। कवर करने के बाद मैं इसकी आँच को थोड़ा सा स्लो करूँगी, और उसको हम डाल देंगे दम पे। आपसे मिलेंगे हम 10 मिनट के बाद। बिरयानी की खुशबू तो बहुत ही कुछ ज़बरदस्त सी आ रही है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ताकि, ओ वाओ, क्या माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी जो ये 100 साला रेसिपी है ना बिरयानी की, ये तैयार हो चुकी है जनाब। अब इसको आप मटन से बनाएं, बीफ से बनाएं, इट्स अप टू यू। वाह, रसीली और जूसी बिरयानी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैं निकालती हूँ, आप भी इसको एंजॉय करें, बनाएं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।